सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी को कौन नहीं जानता। एक बार फिर से इन दोनों की चर्चा लोगों के बीच शुरू हो गई है, क्योंकि हाल ही में सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि वह भारत के सचिन या अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से नहीं बल्कि किसी दूसरे शख्स को प्यार करती है। जब से उन्होंने यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, तब से लोगों के बीच काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या सीमा हैदर किसी खास मकसद से भारत आई है, क्या वह पाकिस्तान की जासूस है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान ही दिया है। यहाँ हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह बिल्कुल सच है, क्योंकि सीमा ने खुद इसको स्वीकार किया है। यह बात है सीमा हैदर के शादी से पहले की, जब वह अपने फैमिली के साथ अपने घर और अपने गांव रहती थी। वीडियो में सीमा हैदर ने स्वीकार किया है कि शादी से पहले वह अपने एक कजिन को बहुत प्यार करती थी। कजिन यानी सीमा हैदर के मामा का लड़का, और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इनकी प्यार के कहानी की भनक इनके परिवार को लग गई। उसके बाद सीमा हैदर के परिवार वालों ने सीमा हैदर की शादी जबरदस्ती गांव से बहुत दूर गुलाम हैदर से करवा दी। सीमा हैदर गुलाम हैदर को पसंद नहीं करती थी, मजबूरन उसे वहां रहना पड़ा। इसके बाद कई दिनों तक सीमा वापस अपने घर नहीं आती थी। सीमा हैदर का पूर्व पति गुलाम हैदर ना ही उसे प्यार करता था और ना ही उसे कभी टाइम देता था। इस वजह से सीमा काफ़ी परेशान रहती थी, और तब जाकर के ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसकी दोस्ती भारतीय व्यक्ति सचिन से हो जाती है, और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से सीधा भारत अपने चार बच्चों के साथ चली जाती है। हाल ही में उसने एक और वीडियो जारी करते हुए पूछा था कि बताइए, अगर मुझे लड़का या लड़की होती है तो उसका नाम क्या हमें रखना चाहिए। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, और रिसेंटली एक और वीडियो उनका काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीमा हैदर प्रेग्नेंट नज़र आ रही है। यानी कि यह बात कंफर्म हो गई है कि सीमा हैदर पांचवें बेटे को जन्म देने वाली है। अब आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर सीमा हैदर को लड़का या लड़की होता है तो उसका नाम क्या होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।